असलम क्या चैलेंज शजादे हो फिटफाट हो उम्मीद है आप सब ओके होंगे रोके की रिपोर्ट में होंगे तो आ चुके हैं हम एक और चोसम वीडियो के साथ तो मैं सोच रहा था आपको लिटिल बिट स्किल्स दिखा दें अपने तो ये बाबा जी स्कार्ड होती है इनके ऊपर आपके भाई ने करना है वन वर्सिस फोर और फुल टाइम लोडेड स्का्ड ए नहीं कोई यूएम पी ओ वाली फाइट व्डी फाइट होने वाली है तो ये वही गेम प्ले है यहाँ पर मैं भग्ही लेके आता हूँ लगे हथ बताता चलू ये भी वन वर्ट फोर है इजी सीन बोलती पब्लिक खैर यहाँ पे आते दो बंदे नो किए टीम मेट मेरा नोक हो जाता है इसको बा इस तरीके से कवर देने के बाद रिवाई भी मिल जाता है लेकिन इसी टीम के दो और बंदे आते हैं और मेरा टीम दोबारा से आहो यू नो आई एम ट्राइंग टू से तो पे ये भाई दोबारा से नोक हो गए हैं अब फिर से वन वर्स टू करना है तो बड़े सियाने प्याने तरीके से मैं खेल रहा था क्योंकि रिकॉल तो था नहीं अपने पास खैर औखियां सोखियां होकर तीसरा बंदा भी नोक की और नीचे से एंड वाला बंदा आ रहा था इसको भी मार दिया अब मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे तो सीधा बाबा जी मौका वारदात की तरफ चलते हैं तो ये मौका वारदात ही है बाबा जी यहाँ पे मुझे इस बंदे का आउटफिट पसंद आ जाता है इसके मैं कपड़े उतरवा लेता हूँ ਕਪੜੇ ਉਤਰਵਾਨੇ ਦੀ ਧੀਰਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੋਈ ਸਕਾਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਲੋਡਡ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹੀ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਟੀਮ ਮੇਟ ਮੇਰੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੱਕੋ यहाँ पे तगड़ी गंज वाली फाइट होती है डांग एंड ग्रोजा एनिमीज के पास भी यही थी खैर एंड वाला बंदा बचा होता है इसको मैं हेड शार्ट मारता हूँ और तितर हो रहा था फिर मैं बाबा जी बड़े वाली छाल मार के इसके पीछे पड़ जाता हूँ और फिर गोलियां चलाता हूँ तो अगो यू नो आई एम ट्राइंग टू से तो ये वही बंदे थे इनकी जरा शनाख्त काट ली जाए बा इज्जत तरीके के साथ और ओके की रिपोर्ट में वन वर्सिस फोर हो जाता है अब इसके बाद बचे कुचे बंदों के ऊपर चढ़ाई की जा रही है अपने स्टाइल के ऊपर जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि अरबी लाबी में हम आए हैं कोई महीना ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਕੇ ਲਈ ਤੇ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟਪਾ ਟਪਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੂਰ ਰਹਿ ਖੈਰ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਪਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੋੜੇ ਪੈਸੋਂ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਛੋੜੋ ਯਾਰ ਚਿਕਨ ਡਿਨਰ ਕੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਪੁਰ ਕਰਾਓ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਸਕਾਰਡ ਹੋਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਬੀ ਮੈਂ ਖੇਰ ਰਹਾ ਹਤਾ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੂ نو ਸਟੋਰੀ ਮੇ ਜ਼ਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੋਕ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਇਹ ਹੋਤੇ ਹੈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਲਗੇ ਆਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਟੀਮਮੇਟ ਨੋਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ लेकिन यहाँ पे मुझे किल्ज़ नहीं मिलने उसकी वजह ये है कि शहजादा भाई मिल जाता है वो कहता है आहो तो फिर चुम्मी शुम्मी होने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ तो अब चलते हैं सीधा मौका वारदात की तरफ जिन बंदों के किल मैसेज दिखाए थे उनके साथ फाइट है यहाँ पे मैं बग्गी लेके आता हूँ ये बंदे आ रहे फाइड कर रहे थे एक बंदा मुझे ओपन में नजर आता है इसको मैं मौके पर नोक और दस्ती फिनिश करता हूँ अब इस बंदे को मैं फिनिश कर रहा था कि मेरे कान के पास से ठा की आवाज़ आती है इन शार्ट वो सामने बंदा होता है इसके पास होती है ए डब्ल्यू एम फिर मैं लिटिल बिट चोकस होकर खेल रहा था और ये बंदा मेरे ऊपर पीक लेके बैठा था लेकिन स्लो मोशन में गोली चलाना चाह रहा था आई थिंक खैर एक बंदा नोक करने के बाद मैं बग्गी लेके सीधा घुस जाता हूं इन बंदों के ऊपर और बंदे बाबा जी पूरा निजाम लगा के बैठे हुए हैं लेकिन काबू कर लेना क्योंकि हाउ ब्रांड की डांग बोलती पब्लिक सुपरमैन को नोक करने के बाद मैं मेडिकट लगा रहा था लेकिन फिर मैं कहता हूं कि क्या फायदा मकाई یہ 1v4 بھی با عزت طریقے سے ہو جاتا اور ان پلیئرز کی بھی شناخت کر لی جائے اب یہ بندہ اتا ہے ہیکر اور واٹ میں تو کیا ہی بڑا کوئی危险س پلیئر ہونا تے واقعی危险س ثابت ہو سکدا سی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس خطرناک گانتی خیر یہاں پہ میں فلیر چلاتا ہوں اس بندے کے ساتھ میری اریڈی فائٹ ہو رہی تھی لیکن اتنی دیر میں باوا جی ایک ادد بگھی کا مجھے ساؤنڈ اتا ہے تے بڑی نا میں گندا جہلایا اینو مطلب او ہو 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 او ہو ہو وہ والا لایا مینوں तो इसको नो करने के बाद यहाँ पे आता हूँ ऑटोमेटिक मेरा बंदा गन छोड़ देता है यू नो अ बिट स्टाइलिश बोलती पब्लिक खैर एंड वाला बंदा होता है इसके पास डी होती है लेकिन प्री फायर बोलती पब्लिक और यहाँ पे वन वर्स थ्री हो जाता है और ये वही बंदे थे ओके की रिपोर्ट हो जाती है नो एट वाला सीट इस पर मजीद ये कि मैं सोच रहा था कि क्यों ना अरबियों पे अलिटल बिट तशद किया जाए और इस तशद के बाद जो मेरे ऊपर तशद होना है वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा खैर यहाँ पे मैं रीकॉल होके उतरता हूँ लूट कर रहा था कि इतनी देर में बाबा जी तीन बंदों का रश आ जाना और आपके भाई ने एक भी गोली आई थिंक सो नहीं खानी तो इन यस कमांडो कर देना पहला बंदा आया शार्ट गन लेके रुके बगैर ठुके बगैर दूसरे बंदे पे गया अब इसके मैं ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਬਸ ਦੇਖ ਰਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਛੋਟਾ ਹੀ ਥਾ ਲਗੇ ਆਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਨ ਵੀ 3 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨ ਆਇਆ ਐ ਸੌਖੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੀਕ ਕਰਾ ਰਹਾ ਥਾ ਪੀਕ ਵੀ ਮੇਰੀ اٹਕ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ हेल्थी खा जाता है पी जाता है अब हमारे पास री गल नहीं था तो मैं अपने टीम को कहता हूँ कि काइंडली आप यहाँ से तितर हो जाएँ और ये बंदा नेट करा देता है फिर मैं अपने टीम को कवर देते हुए एक बंदा नोक करता हूँ और इसको मौके पर मैंने फिनिश कर देना और मेरा टीम भी अ लिटिल बिट तितर होने में कामयाब हो जाता है इतनी देर में बाबा जी मेन बिल्डिंग वाले बंदे चढ़ाई कर जाते हैं और क्लोज आ रहे थे मेरी ठीक ठाक इन्होंने गोलियां ज़ाया कराई हैं आप लोगों के सामने मुझे साउंड आ रही थी मेरे बिल्कुल मुंह पे बंदा है लेकिन अपना जिसम नहीं थे दिखा रहे सिर्फ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ تھے ਖੈਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ تھا ਯਹਾਂ ਪੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸੌ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਚਾਰਾ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖੈਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨੋਕ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਕਾ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਖੈਰ ਰੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਥਾ ਉਹ ਓਕੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਸੀਨ ਹੈ ਅਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਤਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੇ ਨੋਕ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ

ਖੈਰ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਡੈਮੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨੀਡ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਆਤਾ ਮੇਬੀ ਆਈ ਕੁਡ ਸਰਵਾਈਵ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲ ਲਉਂ ਔਰ ਲਗੇ ਆਤਾ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟੈਂਸ ਫਾਈਟੇਂ ਦੇਖਨੇ ਦਾ ਤੋ ਆਪ ਲੋਗ ਅਬੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਟੀਮ ਮੇਟ ਯਹਾਂ ਤੇ ਨੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਏ ਥਲੇ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਰੀ ਵੱਡਾ ਤੂੰ आहो तो यहाँ पे ओके की रिपोर्ट में रिवेंज कंप्लीट हो जाता है अब ये बंदा मेरे पास बैठा हुआ था मुझे कह रहा था मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ बहुत अच्छी होती हैं और क्या आप मेरे सामने बंदों को मार सकते हैं मैं क्या मार सकते हैं तो ये भाई को मैं किसी बिल्डिंग में छुपा देता हूँ फुल टाइम बाबा जी एच किस्म का नज़ारा आ रहा था मैं यहाँ पे तो मार के आ जाता हूँ मैं डब्बा खोल रहा था एक और बंदा आ जाता है डब्बा खोलने के लिए हम दोनों एक दूसरे को देख के डर जाते हैं खैर इस बंदे को मैं डरा डरा नोक कर देता हूँ अब इसको मैंने नोक किया फिर मैं खतरनाक सा नेट ट्राई कर रहा था मेरी धौड़ को वल भी भर सकता था लेकिन फिर भी आई ट्राइड ओके तो ये नेट कराते कराते जो पहले बंदा नोक किया वो रेड़ता खुड़ता यहाँ पे पहुंच जाता है मैं यहाँ पे नेट करा देता हूँ लेकिन सही नेट लग नहीं था रहा खैर फिर मेरा ये जेन था कि मैं क्लोजिन करता हूँ या ऊपर से कोई पीक शीक लेके या एंगल बना के एक आधा नोक निकालने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये बंदे बाबा जी काबू नहीं थे आ रहे अब मैं यहाँ पर पहुंचाऊँ बंदा रिवाइव हो चुका है तो ये देखो ये ऊपर पहुंच गया ये फर्स्ट वाला बंदा खैर इसको मैं मौके पे पर और फिनिश कर देता हूँ और जो दो बंदे और इनके बचे हुए हैं वो रश नहीं कर रहे कोई जाला मार के कहीं जा रहा है कहीं जा रहा है मुझे ज़रा पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं और पता नहीं नेड्स मार रहे थे पिन्ना खिचड़े हैं नेड़ दियाँ मैं एक नेड को करके फेंकता हूँ नीचे से मुझे फुट आ रहा था कोई नहीं लगता आज की डेट में हाउ ब्रांड के सारे नेड मिस लेकिन ये नेड बाबा जी जो धमाका होता है ना वो नेड़ का बहुत अच्छा होता है वो एनिमीज़ को देखो ये बोला हो गया था आई थिंक सो मुंह उठा के आ रहा था इसको मैंने नो किया फिर लगे आते इसको भी मैंने मार दिया और फिर वो जो फ़ैन था उसको बोला भाई ओके की रिपोर्ट होगी आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि टोटल प्लेयर्स अरीना में टू हैं मैं और वो फिर हम फिर से गपशप लगाते हैं फिर वहां से निकलकर मैं टीममेट्स के पास आ जाता हूँ और उनके से के बंदे मैं मारना शुरू हो जाता हूँ इस पर मजीद ये कि बाबा जी कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैं शायद स्प्रे नहीं देता मुझे ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਤੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਸਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ M416 ਆਪਕੋ ਮੇਬੀ ਇਹ ਬਾਤ ਬੁੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੁਕਦਾ M4 ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਚੁਕਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਕਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਆ ਲिटल ਬਿਟ ਵਖਾ ਦਿਨਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਜਨੀ ਗੰਨਾ ਚੁਕਾਓ ਹਾਓ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਦਿਨਾ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਾਨਾ ਯੂ نو ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਅਰ ਆ ਲੇਕਿਨ वजनी गंज चला सकते हैं इज़्ज़त तरीके के साथ इसी के साथ बाबा जी एंड वाली फाइट आपको दिखा रहा हूँ लेकिन पूरी नहीं दिखानी ताकि आप मुझे मिस करते रहो कि आगे क्या हुआ इसी के साथ रस्में अदा कर देना जो मैं नहीं आता तो तुम भूल ही जाते हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नैक्सट वीडियो में अपना ख्याल रखना अल्लाह हाफिज टेक केयर तो दसो अगे की होगा